चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को। बता दी कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, साथ ही यूपी के सभी जिलों की आज की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके खबर को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन चार्ज और बकाए के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो, सीएम योगी का निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीटर जांच व बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। गलत बिल और विलम्ब से बिल देने की प्रवृत्ति पूरी तरह से बंद हो, यह उपभोक्ताओं को निराश करता है। बिजली कनेक्शन चार्ज में एकरूपता के लिए नियम बनाए जाए, अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम कर दिया जाए, आम जन की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यूपी में कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करेगी योगी सरकार, यह है प्लान। दरअसल आपको बता दी कि योगी सरकार एक तरफ जहां 20 जुलाई को 36 करोड़ पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ कार्बन फाइनेंस के जरिए पौधारोपण करने वाले कृषकों की आय में भी वृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। भारत सरकार ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है। किसानों द्वारा पौधारोपण करने से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उनकी आय में अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी। इसके तहत किसानों को अधिक से अधिक तेज गति से बढ़ने वाले पौधों पॉपुलर मिलिया डुबिया सेमल आदि का रोपण करना होगा। प्रत्येक पांचवें वर्ष में 6 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट की खरीद होगी। उल्लेखनीय है कि इससे लगाए गए पेड़ों से किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी। इसके लिए योगी सरकार की ओर से किसानों को इंसेंटिव के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यूपी के लखनऊ में बुलडोजर पर लग सकती है रोक, सीएम ने आज सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाई। पंतनगर अबरार नगर में होनी है कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में होने वाले ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें लखनऊ के कमिश्नर, डीएम, वीसी और नगर आयुक्त समेत सिंचाई विभाग के तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान अभियान को रोकने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर इन इलाकों के साथ पूरे लखनऊ में विरोध तेज हो गया है। पिछले दिनों सिंचाई विभाग ने विभागों को पत्र लिखा था कि नदी के दोनों किनारे 50-50 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। उसके बाद से करीब 2000 मकानों को चिन्हित किया गया था, उन घरों के सामने लाल निशान लगाए गए थे। तो योगी का यह फैसला सही है या नहीं, कमेंट जरूर करें। मुहर्रम के लिए उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी बढ़ी, सुरक्षा बलों की 165 कंपनियां हुई तैनात। जी हां, आपको बताने की 8वें मुहर्रम पर आज से लेकर अलग अलग दिन यूपी के सभी शहरों में जुलूस निकाला जाएगा। लगभग सभी शहरों में जुलूस शाम से निकाला जाएगा, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। मुहर्रम के लिए यूपी के शहरों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही कई इलाकों में रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी लागू की जानी है। सभी शहरों में यूपी पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ऐसे में सुरक्षा बलों की अन्य 165 कंपनियां तैनात की गई हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान इलाकों में सांप्रदायिक सौहार्द और ताजियों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यूपी में बड़े धर्म परिवर्तन की तैयारी में मौलाना तौकीर रजा, सामूहिक निकाह की डेट का भी ऐलान। दरअसल आपको बता दी कि इत्यादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और दरगाह आला हजरत खानदान के सदस्य मौलाना तौकीर रजा हिंदू धर्मों के 20 से ज्यादा युवक युवतियों को मुसलमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही निकाह भी कराएंगे। निकाह के लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। इस सामूहिक निकाह के लिए बरेली में जिला प्रशासन से इजाजत मांगी है। तौकीर रजा की तरफ से नगर मजिस्ट्रेट को आईएमसी के संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने पत्र लिखा है। उसमें बताया गया है कि 8 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं जो कि इस्लाम कबूल करने वाले हैं। सभी बालिग हैं और इन सभी ने पहले से शादी कर ली है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकसित कर रही रक्षा औद्योगिक गलियारे में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, 950 करोड़ होंगे खर्च। जी हां, आपको बता दी कि देश को रक्षा उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में आकार ले रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में योगी सरकार विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 950 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत डिफेंस कॉरिडोर में सड़क, बिजली, पानी, सीवर और सुरक्षा के उच्च कोटि के प्रबंध किए जा रहे हैं। अब तक करीब 187 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो गए हैं, वहीं 537 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य अभी बचे हुए हैं। यूपीडा द्वारा अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ और चित्रकूट नोड में 941 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसमें अलीगढ़ नोड के लिए 122 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने बताया नया फार्मूला। सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए भी नया नियम लागू। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए नए स्रोत तलाशने और नियमों को सरल बनाने पर जोर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में कर करेतर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक अपनाने की नसीहत अधिकारियों को दी। राजस्व संग्रह की स्थिति को संतोषजनक बताते हुए साफ कहा कि यह जनता से एकत्रित राशि है, जनहित में ही इसका उपयोग होगा। मुख्यमंत्री ने जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, भू राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्तियों की जानकारी ली। मतलब साफ है कि योगी ने कहा है कि जो भी पैसा आ रहा है वह जनता का ही है, इसलिए जनता के हित में खर्च होना चाहिए। वैसे आपको योगी का शासन कैसा लगता है, कमेंट जरूर करें और खबर को आखिर तक जरूर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में एलपीजी टैंकर में रिसाव, 500 मीटर का एरिया सील, अमेठी में घरों को खाली कराया फोर्स तैनात। जी हां, आपको बताने की अमेठी में तेज रफ्तार कार एलपीजी टैंकर से टकरा गई। घटना में कार सवार दरोगा चल बसे, कांस्टेबल भी घायल हो गए। टक्कर के बाद टैंकर 10 फीट दूर जाकर पलट गया, इससे गैस का रिसाव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही डीएमएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, ट्रैफिक रोककर आसपास के 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया, घरों को खाली कराया गया, तीन जगहों से ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया है। घटना बांदा टांडा नेशनल हाईवे पर जायस कोतवाली के मुरगहिया गांव में हुई है। यूपी में राजा भैया के पिता उदय प्रताप मुहर्रम तक अपने ही महल में हाउस अरेस्ट, बाहर लगाई गई फोर्स। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के बाहुबली कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह से पुलिस प्रशासन को सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और विधि व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है। इसके कारण पुलिस प्रशासन ने मुहर्रम की दसवीं से तीन दिन पहले उन्हें उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। भदरी गेट पर हाउस अरेस्ट किए जाने को नोटिस चस्पा की गई। तीन दिन तक राजा उदय प्रताप सिंह, उनके सहयोगियों का किसी भी तरह का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष निवेश में आई काफी ज्यादा तेजी, 1300 करोड़ की तीन इकाइयां लगी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी आई है। विदेशी निवेशकों पेप्सिको, मैपेई कंस्ट्रक्शन और एयर लिक्विड इंडिया ने हाल ही में तीन बड़े संयंत्र स्थापित कर दिए हैं। तीनों में पहले चरण में करीब 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वहीं पांच और संयंत्र लाइन में है जो जल्द धरातल पर नजर आएंगे। बुनियादी ढांचे में विकास, कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे के बाद निवेश का दायरा नोएडा और एनसीआर से आगे निकल रहा है। अवध क्षेत्र के साथ साथ ब्रज क्षेत्र में भी निवेशकों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर भी ये प्लांट लगा रहे हैं, तो इससे जॉब क्रिएट होगी। यूपी के 13 जिलों के मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने की पीआईएल दाखिल, सुनवाई 18 जुलाई को। दरअसल आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के राज्य मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त संसाधन और स्टाफ समेत मान्यता प्रदान करने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में दाखिल हुई है। इस पर 18 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने याचिका दाखिल कर कहा कि प्रदेश के 13 जिलों में स्थित स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों को 70% संसाधन, स्टाफ आदि की कमी की वजह से मान्यता नहीं मिल पा रही है। यूपी के अयोध्या में 4 दिन एनएसजी सुरक्षा पर करेगी मंथन, राम मंदिर उड़ाने की धमकी और आतंकी घटनाओं पर अलर्ट जारी। दरअसल आपको बताने की अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाने की तैयारी है। यहाँ एनएसजी की एक यूनिट स्थायी रूप से तैनात होगी। ऐसे में 17 जुलाई को एनएसजी टीम अयोध्या पहुंच रही है। शहर और राम मंदिर की सुरक्षा परखने के साथ एनएसजी हब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तय होगा। ऑफिस बनाने के लिए जगह, उसकी एरिया, कितने जवान की जरूरत होगी आदि पर चर्चा होगी। एनएसजी जवान 17 से 20 जुलाई तक यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पुलिस, जिला प्रशासन, राम मंदिर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठी आवाज, एमएलसी ने योगी को लिखा पत्र, बताया जनता सरकार से क्यों नाराज। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया है। इस आंदोलन को दबाने के प्रयास में सरकार लगी हुई है। सरकार ने जहां वेतन काटने का अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं शिक्षकों ने अब सामूहिक इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस बीच भाजपा के अंदर से उनके पक्ष में आवाज उठी है। भाजपा के एमएलसी देवेंद्र सिंह ने शिक्षकों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में यह भी बता दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की हार क्यों हुई। उन्होंने शिक्षकों के योगदानों का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए डिजिटल हाजिरी के आदेश को वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, क्या इसे वापस ले लेना चाहिए, कमेंट जरूर करें।
उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती और मुहर्रम के लिए आगरा के कई रास्ते 3 दिन बंद, रोड बदले, जानिए कहां कहां है डायवर्जन। दरअसल आपको बता दें कि मुहर्रम के मद्देनजर 17 जुलाई को आगरा के सड़कों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। जिन मार्गों पर यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है वहां से संभल कर निकलें। यह व्यवस्था सुबह 11 बजे से जुलूसों के निकलने तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में 14 जुलाई से अग्निवीर भर्ती के लिए 1 दर्जन जिलों से युवा आए हुए हैं। इसके लिए भी भगवान टाकेज रोहता फतेहाबाद के मार्ग बदले हैं। वहीं मुहर्रम के लिए 17 जुलाई के आंतरिक यानी शहर के यातायात को बदला गया है। यूपी में देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी। वाराणसी चुनार के बीच चलेगा 50 सीटर शिप, 2500 रुपए होगा टिकट। दरअसल आपको बताने कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए शिप देर शाम नमो घाट पहुंचा। पर्यटन विभाग की निगरानी में रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल रालोपुर में खड़ा किया गया। यहीं पर शिप की सजावट और लाइटिंग का काम किया जाएगा। यह डबल डेकर केटामरान क्रूज जून के अंतिम सप्ताह में कोलकाता से चला था। रास्ते में कम पानी होने की वजह से उसे कई जगह रोकना पड़ा। इसके चलते जलयान को आधा सफर को पूरा करने में ज्यादा समय लग गया। उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री संजय निषाद ने केशव मौर्य से की मुलाकात। सुर में मिलाया सुर, बुलडोजर एक्शन पर उठाया सवाल। दरअसल आपको बताने के उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोकसभा सीटें घटने की वजह के तौर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का सवाल उठाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का साथ मिल गया है। यूपी में सपा से कम लोकसभा सीटें जीतने के कारण तलाश रही भाजपा में हार के कारण पर नेताओं के अलग अलग नजरिए कारण गुटबाजी बढ़ रही है। संजय निषाद ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ की। कहा कि वह पिछड़ों के बड़े नेता हैं, तभी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में संजय निषाद की बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि सीएम योगी को कहीं न कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। आप योगी का समर्थन करते या नहीं, कमेंट जरूर करें। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से की बात। 20 जिलों में बाढ़ और मुहर्रम की तैयारियों का लिया अपडेट। आज 21 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल आपको बताने कि गोरखपुर हरदोई समेत यूपी के 40 शहरों में सोमवार को बारिश हुई। औसतन 3.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में 38 mm दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में भारी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। इस समय प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बाढ़ और मुहर्रम को लेकर फोन पर बात की है। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान के पार बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। 30 गांव डूब गए हैं। हरदोई में इतनी बारिश हुई है कि लोग घरों में घुटने तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 26 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी। तो ऊपर के जिलों के अलावा बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और संभल में भी बादल के साथ मध्यम बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वैसे आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान लगे आपत्तिजनक नारे, पुलिस ने वीडियो खंगाल कर 7 को पकड़ा। दरअसल आपको बताने की यूपी के अमेठी में मुसाफिरखाना कस्बे में निकले मुहर्रम के जुलूस में आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए जाने की बात सामने आई है। इस आरोप में अमेठी के कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर 7 लड़कों को पकड़ा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के जरिए इन लड़कों की पहचान की। वीडियो में कुछ अन्य लड़के भी नजर आ रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मुहर्रम के जुलूस में आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई राजेश कुमार ने इस मामले में कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस में कुछ लड़कों द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ नारे लगाए गए। उत्तर प्रदेश में शहीद पेरेंट्स और पत्नी को इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख मिले। आर्मी बोली पेंशन पत्नी को मिलेगी क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। दरअसल आपको बता दें कि सियाचिन में सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमान के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। यह रकम अंशुमान के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई, यानी कि 50-50 लाख रुपए। शहीद के माता पिता ने कहा था, बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सामान लेकर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियम में बदलाव करना चाहिए और इस हिसाब से उन्हें 50-50 लाख रुपए तो दे दिए गए, लेकिन कहा जा रहा है कि जो उनके पति थे यानी अंशुमान, उन्होंने उनको वारिस बनाया था, इसीलिए पेंशन का पैसा पत्नी को ही मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, किसे पेंशन मिलनी चाहिए, कमेंट जरूर करें।
उत्तर प्रदेश की इन 6 जोड़ी ट्रेनों में भी बढ़ेंगे जनरल कोच। जानिए क्या है लिस्ट और शेड्यूल। दरअसल आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे भी 6 जोड़ी ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाएगा। अलग अलग ट्रेनों में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और स्लीपर क्लास के एक एक कोच कम किए जाएंगे। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कामायनी एक्सप्रेस में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 15 नवंबर और बलिया से 17 नवंबर से एक कोच लगेगा। वहीं छपरा एलटीटी, गोरखपुर एलटीटी गोदान, बनारस एलटीटी और गोरखपुर एलटीटी में भी 15 नवंबर से एक कोच बढ़ेगा। मुख्तार अंसारी को खाने में कुछ दिया गया, जरूरी इलाज से किया गया इनकार, सुप्रीम कोर्ट में बोले कपिल सिब्बल। जी हां, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर भोजन में कुछ मिलाकर दिया गया था और जिस तरह के इलाज की जरूरत थी वह भी नहीं मिला, इसके कारण मुख्तार अंसारी कांड हुआ। मऊ सदर से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी 28 मार्च को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण और बांदा मेडिकल कॉलेज में चल बसे थे। तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। 5 कैटेगरी में होंगे उत्तर प्रदेश के होटल, पर्यटन को लगेंगे पंख, जानिए रजिस्ट्रेशन के नियम। दरअसल आपको बताने कि पर्यटन क्षेत्र को उन्नत करने के लिए प्रदेश में होटल व्यवसाय का स्वरूप बदलेगा। छोटे से बड़े होटल 5 कैटेगरी में होंगे। कैटेगरी में तभी शामिल होंगे जब तय मानकों पर सुविधाएं देंगे। 800 से अधिक कानपुर के होटल कारोबारी इस दायरे में आएंगे। यूपी होटल क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत पर्यटन विभाग के पोर्टल पर होटलों का रजिस्ट्रेशन होगा। इससे होटल मालिकों को ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि उनको जरूरी मानकों का पालन करना होगा, तभी उनका होटल लिस्ट किया जाएगा। यूपी के पूर्व विधायक पवन पांडे पर शिकंजा कसा, लगाया गया गैंगस्टर एक्ट, पुलिस ने बनाया 12 बदमाशों का गैंग लीडर। दरअसल आपको बताने की कोर्ट रचना और धोखाधड़ी कर करोड़ों की जमीन लाखों रुपए में एग्रीमेंट कराने के मामले में जेल में बंद कद्दावर और नेता पूर्व विधायक पवन पांडे और उनके गैंग के 12 सदस्यों के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मुकदमे के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वर्ष 2022 जून माह में पूर्व विधायक पवन पांडे समेत एक दर्जन के खिलाफ धड़ी कर करोड़ों रुपए की जमीन को 20 लाख रुपए एग्रीमेंट करने के मामले में अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन, ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सैकड़ों शिक्षकों ने दिया इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। कई जिलों में सैकड़ों शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं आपको बताने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक, शिक्षा मित्र अनुदेशक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता खिलाफ केस हुआ दर्ज। दरअसल आपको बताने कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीएम योगी के परिवार जन की ओर से सौंपी तहरीर के बाद पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यूपी सीएम योगी के भाई शैलेश बिष्ट से फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गाली गलौज करना और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देना एक कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य को भारी पड़ गया। मथुरा के श्री राधा रानी मंदिर में शादी करने का वीडियो आया सामने, लोगों में फैला रोष, प्रबंधन ने रुकवाया कार्यक्रम। दरअसल आपको बता दें कि तीर्थ नगरी मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर में भव्य सजावट के मध्य दिल्ली का भगत अपने पुत्र की शादी करने पहुंच गया। मंदिर में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सोशल साइट जंग का अखाड़ा बन गई। वहीं रिसीवर समिति ने वीडियो देखते ही मंदिर से शादी को रुकवाया। इसके बाद भक्त अपने पुत्र की शादी स्थानीय होटल में किया। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज, विधानसभा चुनाव से पहले गडकरी का ऐलान, अभी तक NOC का इंतजार। दरअसल आपको बताने कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बेहतर यात्रा के उद्देश्य से चंबल नदी पर स्वीकृत सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण में NOC का पेच फंसा हुआ है। पुल निर्माण के बीच में वन विभाग की जगह होने की वजह से उसकी ओर से NOC नहीं मिल सकी है। ऐसे में पुल के निर्माण की प्रक्रिया 2 साल से रुकी हुई है। यूपी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोले, नल से पानी पहुंचाने की मुहिम शानदार, अब जल संरक्षण पर जागरूक करने की है बारी। दरअसल आपको बताने कि जल जीवन मिशन के प्रगति की स्थिति पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने की मुहिम को यूपी ने शानदार तरीके से अंजाम दिया है। अब बारी है लोगों को जागरूक करने की, ग्रामीणों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि पानी की एक एक बूंद बेहद अनमोल है, इसका संरक्षण करना जरूरी है। उन्होंने यूपी को इसके लिए अलग से अभियान चलाने को कहा।
प्रधानमंत्री मोदी 100 बेड के तिब्बती अस्पताल के उद्घाटन के लिए आ सकते हैं वाराणसी, मिलेंगी यह सुविधाएं। दरअसल आपको बताने की उथोक सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले दौरे पर वो इसका उद्घाटन कर भी सकते हैं। 3000 स्क्वायर मीटर में 9 मंजिला की 99 करोड़ की लागत से 100 बेड के अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज के पहले चरण का सिविल कार्य पूरा हो गया है। अब मात्र 2 घंटे में गोरखपुर से बनारस पहुंचेंगी ट्रेनें। 2200 करोड़ की परियोजना को जमीन पर उतारने की है तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर से वाराणसी के बीच का सफर जल्दी 2 घंटे का होगा। इस टाइमलाइन को छूने के लिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियर जी जान से जुटे हैं। 2200 करोड़ रुपए की 120 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना को इसी वर्ष जमीन पर उतारने की तैयारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसका कोई पैसा नहीं लगता, बस 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब करके घंटी का साथ दबा लें ऐसी रोज की ताजा खबरों के लिए।